हाय गाइस, वेलकम टू द इंडियन गेमर चैनल। हम खेलने स्पिन टायर्स और हम जानते हैं कि आज का दिन है दोनों डीज को ले जाने का और अपना एक पुराना ख्वाब पूरा करने का, जो कि है 12.17 पहुंचाना। ज़रूरत होती है 8 की, हम चाहेंगे कि 12 पहुंचें, जो कि अभी तक फेल हुआ आइडिया, अभी तक कामयाब नहीं हुए हम, लेकिन कोशिश लगातार जारी है। लेकिन इस बार पक्का होगा, इस बार होगा। दो डी हैं क्योंकि हमारे पास। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का गेम प्ले। लंबर की तरफ निकल रहे हैं अपन लोग। टाइम क्या हो रहा है, रात के करीब 2 बज रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया ही है टाइम, इतना ही बहुत है। विंच मैंने थोड़ी लंबी रखी है जिससे कि ये डैमेज ना लें, ज़्यादा बेटर है। ओ गाइज, एक चीज़ देखिए, मैंने गड़बड़ कर दी। ये विंच मैंने बहुत गलत लगाई है, मैंने कार्ट पे लगा दी गलती से। मैं पहले इसको सही करता हूँ, गलती को सही करूँ पहले मैं। बातों में देखिए ये होता है, रिलीज ये वाली इस पे लगाएं, बस अब सही है। चलिए अब तो चल सकते हैं, आइए, वरना वो कार्ड खींचती रहती ना, गड़बड़ ये हो गई थी। मैं सही चल रहा हूँ, गलत तो नहीं ले लिया? ना सही है, इसी रोड पे जाना है। ठीक है, चल दिए अपन लोग 2D लेके। मेरे ख्याल से हम सुबह तक पहुँच जाएंगे, बिना किसी दिक्कत के हम सुबह तक पहुँच जाएंगे और खींचना शुरू कर देंगे दोनों को लंबर पर टांग। इस पे वैसे मैं एक बार खेल चुका हूँ, मेरे ख्याल से बहुत शुरुआत में जब स्पिन टायर शुरू किया था, मेरे ख्याल से 7वां या 8वां एपिसोड था, उसमें मैं पूरा 1D लेके गया था। हाँ, उसमें मैं क्रेन और डी को एक साथ लेके गया था, तब शुरुआत थी, तब पूरा गेम प्ले, ये गेम भी नहीं पता था क्या होता है, सीरियसली बताऊँ तब लेके गया था। वो पहला ही 8वां एपिसोड था जिसमें मैंने कामयाबी के साथ एक ही एपिसोड में लंबर तक भी पहुँचाया और फिर ऑब्जेक्टिव तक भी 6 पॉइंट्स पहुंचाए। गड़बड़ उसमें भी बहुत हो गई थी, वो भी देखने लायक था एपिसोड, बड़ा मज़ेदार था। शुरुआत में समझ में आता नहीं है क्या हो रहा है, कैसे करना है, बस करते चले आ रहे हैं। मज़ा आया था लेकिन वो भी खेल के, कामयाबी मिल जाए तो मज़ा तो आता ही है। जब तक गड़बड़ ना हो तब तक मज़ा आता है, जब गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है तब प्रॉब्लम होने लगती है। वैसे सीधी सीधी रोड है अपनी लंबर तक, इतना तो पक्का है और कोई दिक्कत नहीं है इस पर। पीछे से वो थोड़ी थोड़ी डैमेज ले रहा है। लंबर तक तो देखिए हम प्यार से पहुंचेंगे, ऐसी ही प्लेन रोड्स पे हम चलाते रहेंगे। बस थोड़ा सा मैं डाउटफुल, पता है कहाँ पर हूँ मैं डाउटफुल? यहाँ पे हूँ, डी पे तो मुझे दोनों डी हैं अपने। कभी कभाई ऐसा होता है, ऐसे वॉल्केनो मैप ही है मेरे ख्याल से जिसमें 2D हैं। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है किसी भी मैप में और 2D नहीं है। हाँ, जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, 2D किसी में भी नहीं, सिर्फ वॉल्केनो मैप है जिसमें 2D मिलते हैं एक साथ। तो इसलिए डीज पे तो मुझे भरोसा है कि ये अपना काम कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली में ना मैपों पर मुझे भरोसा नहीं है। जो रूट है वो बीच का मैंने पूरा नहीं देखा है, जो मैंने डिसाइड कर रखा है रूट फ़िलहाल, जहाँ जहाँ से हमें लेना है। ये वक्त ही बताएगा जब हम लंबर लेके निकलेंगे कि कितना सही है और कितना गलत फैसला, वो बाद में पता चलेगा गाइस। अभी तो मुझे भी नहीं पता कि रूट कैसा होगा, लेकिन अब शुरू कर दिया है तो देखते हैं। लेकिन जैसा भी रूट होगा, पहली बात तो रूट होगा, सबसे बड़ी बात ये, मैं कहीं और लेके नहीं चलूँगा। मुझे पता है मैं 6-6 पॉइंट्स वाले लंबे वाले लट्ठे खींच रहा हूँ, इसलिए मैं कहीं भी लेके नहीं चलूँगा। डेंजरस वाटर लेवल आ रहा है। अरे यार, ये तो भड़क गया, पानी निकल गया बीच रोड पे। अच्छा, ये तो बड़ी खतरनाक। अरे ना 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 ना, 70, अरे 43 डैमेज। अरे भाई, आओ आओ आओ, अरे बड़ा खतरनाक हो गया यार ये तो, बीच रोड से भी निकालना थोड़ा सा, मुझे ना साइड में से लेना चाहिए वो, मैंने डी के कॉन्फिडेंस में आके जो है गौर नहीं किया। चलिए कोई बात,
ये हम जीप सिर्फ स्काउटिंग कर रहे थे, ये इलाका हमने बचा लिया था। ठीक है, पत्थर वत्थर पे आप बड़े ट्रक चलाइए। वास्तव में जीप को मैंने इधर से निकाला होता, घंटा भी नहीं पहुंचती। अच्छा वो मैंने दूसरे रास्ते से ले लिया। चलिए जी, दोनों डी हैं अपने तो कोई दिक्कत नहीं होती है इधर उधर ले जाने में। सुबह के बज गए 4:30, यानी कि सुबह तो हो गई करीब करीब गाइस। ठीक है जी, बिना किसी दिक्कत के हम लोग, और ये रोड आ गई ना प्लेन वाली, बस यही लंबर के पास है। अब यहाँ मुझे थोड़ा सा रास्ते देख के चलना है, क्योंकि मैं देखता हूँ मुझे रास्ता, अब ध्यान नहीं है वो थोड़ा सा कौन सा रास्ता था। एक तो रास्ता यहीं से जाता है वो दो पेड़ों के बीच में, ले लेता हूँ जैसा होगा देखा जाएगा। मैं इधर से ही ले लेता हूँ पहले। मेरे ख्याल से यही रास्ता है। टूट जाओ पेड़। टूट गया। अब बस ये मैंने ले तो लिया है, अंधेरे में कहाँ पे ले लिया है मुझे खुद नहीं पता, लेकिन पीछे वाला डीबी इसी जगह से आ जाए तो मज़ा आ जाए। पहले मैं उसे बुला लूँ, बिना पेड़ में अटके आ जाएगा। आ गया, अरे बल्ले बल्ले, अरे बहुत सही, मुझे उम्मीद नहीं थी आ जाएगा, मुझे लगा था कि अटकेगा। अब ये किधर जाना है मुझे, ये थोड़ा सा कन्फर्म हो जाए। ठीक है, पता लग गया। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस अभी पहुँचे थोड़ी देर में लंबर बिना दिक्कत के, बहुत अच्छे। ज़्यादा पलटेगा तो नहीं, आ गए। पीछे वाले डीपे भी नज़र मार लूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा गलत जगह से ले लिया। ठीक है, आ गया। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं यार, बहुत सही। सुबह भी हो गई और थोड़ी देर में हम पहुँचे लंबर। आ गए लंबर जी, आ गए। सुबह भी हो गई, बिल्कुल सही जी। अब मैं क्या करता हूँ, ये एक डी को यहीं छोड़ता हूँ, क्या कहते हो आप, ये दोनों को अंदर ले लूँ? मैं बताऊँ, एक एक करके ही निकालते हैं, जगह वैसे ही नहीं होती है, एक एक करके ही निकालते हैं, ज़्यादा सर्कस ठीक नहीं। यहाँ मैं करता हूँ विंच रिलीज और एक एक करके लोड करता हूँ। मैं थोड़ा सा ये भी डिसाइड करूँगा कि इन्हें कैसे ले जाना है, क्योंकि यहाँ थोड़ा संकरा रास्ता है और दिक्कत हो जाएगी अगर नहीं सोचा तो। सीरियसली बता रहा हूँ, नहीं सोचा तो यहीं दिक्कत हो जाएगी खड़े खड़े। सही जगह पे आ जाना, बिल्कुल ऐसी जगह पे लगाना कि एक बार में मुझे मिल जाए लोड। पहले तो मैं इसको सिलेक्ट करूं, और ये तो कुछ अभी आएगा ही नहीं, जब मैं कार्ट अनलॉक करूंगा तब कुछ आएगा। कार्ट को भी सही जगह पे लगाया जाए। चलो भाई, चलो जल्दी जल्दी हो जाओ और सीधी हो जाना। एक बार में सीधा कभी होता है नहीं, लेकिन क्या पता क्या हो। कि अभी तो पहले तो ये सीधी हो जाए यार, है तो बिल्कुल सीधी, एक बार में आना चाहिए, लेकिन इसकी आदत है जब तक परेशान ना कर ले तब तक इसे मज़ा नहीं आता। ओ विंच तो हटा ही नहीं, ठीक है। ट्रक आगे बढ़ाने लगा, विंच हटा ही नहीं, ठीक है। अब मिलेगा लोड? नहीं मिलेगा लोड। अब मिलेगा लोड? नहीं मिलेगा लोड, क्योंकि अभी मुझे लग रहा सीधी भी नहीं। ठीक है, थोड़ा सा उधर लेना है, समझ गया मैं। अबे आप तो दे दो। आ गया लोड, चलो जल्दी ऐसे ही काम हो जाए, उसमें भी इतना टाइम लगता है तो कोई बात नहीं। देखिए गाइज, मैं पता है क्या कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो इन्हें यहीं जोड़ सकता हूँ दोनों डीस को, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इन्हें उसी रोड पे ले आऊँ जहाँ से इन्हें खींचा था, उसके बाद कुछ करते हैं, क्योंकि यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ भी काफ़ी संकरी जगह है, बहुत कम
उसमें अगर मैंने खींचा खाची करने की कोशिश करी ना तो दिक्कत हो जाएगी, खड़े खड़े दिक्कत हो जाएगी। ये देखो पहली बात तो पहिए जमीन पे आए तब मैं मोड़ पाऊँ। हाँ हाँ हाँ, कहाँ से निकल रहे, दिखाते भी तो जाओ कहाँ से निकल रहे। ये देख रहे आप, इस जगह से अगर मैं कोशिश करूँ कि मैं दो ट्रकों को खींच लूँ तो दिक्कत हो जाए। आप देख रहे हो कि ज़बरदस्ती सी हो रही है, पीछे वो ट्रेलर कहाँ भाग रहा है, ये थोड़ी सी ना खतरनाक। मुझे जाना है इधर, और अचानक मुड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि किसी पेड़ में बंध जाओ। अभी कितना प्यार से मोड़ेगा, बस मोड़ेगा तो प्यार से मैं पलटू वलटू ना। ओ चीखें निकल गई मेरी तो। पलटेगा तो नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया इधर। भाई साहब डी है ये, इसीलिए मज़ा आ गया। लेकिन मोड़ एक बार में दिया आपने, ये देखा, ये बहुत बढ़िया टेक्निक है, कमाल की। आप एक तरफ विंच लगा लो, एकदम खड़े खड़े मोड़ देगा ये। लेकिन काफ़ी टिल्ट हो गया था, सी होता तो अभी तक तो राम नाम सत्य हो जाता उसका। सीधे ही जाना है अपने को। ये कैसे स्ट्रगल कर रहा भाई, चढ़ जा चढ़ जा भाई, तुझसे तो उम्मीद है मुझे, उम्मीद पे फेल नहीं होता डी, इंजन की ताकत में तो नहीं फेल होगा, देखो चलता ही जाएगा। ओहो खुद ही खुदाई सी जगह आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, उठा पटक ज़्यादा ना बचे। ये गलियारे जो है ना, ये मुझे थोड़े डरावने लग रहे हैं, मैं आपको सही बताऊँ। और ये गलियाँ भी पतली पतली सी आ रही हैं, मुझे इस पर भी डर लग रहा है कि कहाँ ले जाएंगी, कहीं मैं भटक ना जाऊं। ये खुदा खुदाया सा इलाका आ रहा है, मैं इस पर संभाल के निकालने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये खुदे खुदे इलाके ही थोड़े ज़्यादा डरावने होते हैं। कोशिश करूंगा कि ट्रक मेरा रहे सीधा, जिससे कि मेरे सारे पहियों की जो है ताकत बराबर लगे, और मैं पहले से ही लेफ्ट राइट करता हुआ चलूँगा। देखिए निकाल तो मैंने लिया गाइस, ये तो प्यार से निकल आया, ये तो बिना दिक्कत के मैंने मेन रोड पे ले लिया, आ गए हम मेन रोड। हाँ जी सरकार, इतना तो हुआ, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ज़रा दूसरे वाले ट्रक को भी संभाल लूँ। हाँ भाई, दूसरे नंबर के डी आओ। अब तुम भी जो है इतने ही प्यार से निकल आना जैसे वो निकल आया था। मना गाइस एक बार बताऊँ, दिक्कत होने को ये भी खतरनाक रास्ता था वो, तो मैं थोड़ा सा सारी चीज़ें करता हुआ लाया हूँ कि मोमेंटम भी बना रहे वगैरह वगैरह। लेकिन अब क्या है, उसने रोड थोड़ी खोद दी है, अब बस इसे दिक्कत ना हो। जैसे उसकी लगाई थी मैं वैसे ही लगाने की कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ज़्यादा मोड़ दिया, ठीक है जी। पहले तो मैं कार्टन पैक करूं, जितनी दिक्कत उसने दी थी अगर उतनी ही देते हो तो कोई बात नहीं है, उतनी तो मैं ले लूँगा दिक्कत, उसके बाद प्यार से लग जाना बस। चलिए विंच रिलीज़ करूं, पिछली बार तो भूल गए थे विंच रिलीज़ करना। अभी तो नहीं आया लोडअप का ऑप्शन, और ट्रक भी सीधा नहीं है। आ गया था, छेड़ा तो नहीं। हाँ ठीक है, अरे वाह ये तो और जल्दी कर लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई उसी रास्ते पे चलें, और उतना ही प्यार से चलें तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पत्थर है ना, एक बीच में पत्थर आता है, यस यस यस, बहुत बड़ा पत्थर आता है, इससे बचा लिया मैंने इस बार, पिछली बार शायद इसके ऊपर से ले लिया था। लो जी होशियारी पड़ गई महंगी, पिछली बार एक बार को निकल लिए थे, इस बार अटक गए। ये देख रहे हो आप, पिछली बार हम चढ़ गए थे एक बार में, इस बार दिक्कत हो गई। मैं इधर ही रोड पे चढ़ाऊँ, ठीक अब चढ़ गए। वो उधर मैंने शायद घास वास में ले लिया था ना, इसलिए दिक्कत हो गई। ये आगे के पहिए उठ जाते हैं, इस जगह मुझे थोड़ा डर लगता है, ये कहाँ जा रहा है। और यहाँ थोड़ा सा मैं ओ मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा, उठा पटक ज़्यादा नहीं और टेढ़े भी मत होना, ये मुड़ना है वही जगह आ गई जहाँ मैंने बड़ा
खतरनाक तरीके से मोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा ख्याल रखता हूँ। देख के मोड़ूंगा। देख के क्या मोड़ूंगा यार, ये वैसे ही खतरनाक सी जगह है ही है, मेरे पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं। देखता हूँ मैं क्या होता है, मैं सही जगह से ले रहा हूँ। बस तू रोड रोड से आ। हाँ बहुत टेढ़ा कर देता हूँ वास्तव में। मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ गाइस? नहीं, जब वो आ गया था तो ये भी आ ही जाएगा। आ गया आ गया आ गया, और प्यार से एक बार मैं मुड़ भी गया। नहीं, मुड़ तो प्यार से पिछली बार भी गया था। जब विंच लगा लिए तो मुड़ने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा, लेकिन बताऊँ मैं फालतू में ही डर रहा हूँ। विंच लगी हुई है तो वो पलटने तो नहीं देगी उस साइड, जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरी जो कहती है थ्योरी। ये पहले से ही खुदा हुआ इलाका पड़ा है, लेकिन चढ़ जाएगा ये। और ज़्यादा प्यार से चढ़ गया क्योंकि शायद थोड़ी ग्रिप बन गई। चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ, आगे के पहिए एकदम खड़े हो गए। ठीक है, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ मुड़ना है, बस एक और जगह मुड़ने की आती है, यही है वो जगह, यही है वो जगह। ठीक है, हाँ ये जा रहे हैं, पहिए बने हुए हैं। ठीक ठीक, वही दोबारा करता हूँ। मैं पिछली बार तो प्यार से निकल गया था, मैं इस बार भी कोशिश करूँगा प्यार से निकल जाऊँ, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा ना मट्टी लग रही ख़राब। ये ऐसी मट्टी है जो आपको रोक ले, लेकिन कोई दिक्कत की बात है नहीं। आगे वो अपना दूसरा वाला डी खड़ा हुआ, उसको थोड़ा पीछे खींचेंगे और निकल जाएंगे। किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। निकल गए, ये निकल गए। कहाँ है ये? रहा, बहुत बढ़िया। चलिए जी, कितनी दूर डिस्टेंस है दोनों का? डिस्टेंस है तो कम। चेंज करते हैं ट्रक। 1। ठीक है, दोनों लद गए। देखिए गाइस, अभी तक तो सब बढ़िया है, सामान लद चुका है, टाइम भी ठीक हो रहा है। आ, 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 थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा। इतने में काम होगा? हो जाएगा। दूर था वो दूसरा वाला भी। देखिए गाइस, इतना हो गया है, डीजल काफी कम है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब इसका आगे वाले का डीजल, पीछे वाले में तो हो गई डीजल। तो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको ये और बता दूं स्ट्रेटजी क्या है अपनी, फिर आज का गेम प्ले हम खत्म कर रहे हैं, अगले एपिसोड में हॉल करेंगे। अभी तक सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एक जिस रास्ते में पिछली बार ले गया था वो तो बिल्कुल ही अजीब गरीब था, वो तो मैंने ही ले गया था, एक ही ट्रक था मेरे पास, तो मैं एक छोटे रास्ते से ले गया था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला, ये जाता ये 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 करके इधर, और इधर ये मिट्टी मिट्टी वाला रास्ता जो आप समुद्र में से देख रहे हो, उधर होते हुए ऑब्जेक्टिव। लेकिन ये अभी नहीं हो सकता, दो ट्रकों को हॉल कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्या करूँगा, इन्हें रोड पर लेके जा रहा हूँ मैं इधर। ये रोड जहाँ तक जाती है, फिर यहाँ से जहाँ मुड़ती है, ये एरिया जो है यहाँ से मुड़ेगी, इधर लाऊंगा, ये आप देख रहे हो चौराहा सा, इधर लाऊंगा, और फिर इधर से होता हुआ मैं, डीजल अगर ख़त्म हुआ तो यहाँ अपना 255 खड़े हुए हैं, दो आप जानते ही हो, ई भी खड़ा हुआ है, कोई दिक्कत होती है तो। इस रोड से होता हुआ बीच समुद्र से होता हुआ, ये जो आप देख रहे हो ना रोड, और मुझे लग रहा है ये रोड है, आप देख रहे हो मटमैला इलाका हो रहा है ये, इसमें से मेरे डी को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से होता हुआ मैं यहाँ पर लेके आऊँगा रोड, रोड से ही ऑब्जेक्टिव तक, अगर मेरा इतना सब ठीक रहा। लेकिन मैं थोड़ा सा डाउटफुल ये हूँ, ये वाला जो चौराहा है, ये आप देख रहे हो, ये चौराहा मुझे थोड़ा सा डरावना लग रहा है। यहाँ पानी है ना, ये पानी अगर भरा हुआ है, यानी कि ये थोड़ा निचला इलाका है, और देखूँ पानी भी कितना भरा हुआ है, यहाँ थोड़ा डाउटफुल मामला है। लेकिन चलिए देखते हैं, डी है तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, और देखना ना भूलिएगा स्पिन टायर्स का अगला एपिसोड, क्योंकि अगर सब सही हुआ तो पहुंच जाएंगे, गड़बड़ हुई तो स्ट्रगल चालू हो जाएगी। दो ट्रक्स हम खींच रहे हैं, देखें हमारा सपना पूरा होता है नहीं होता है, एक साथ 12 पॉइंट्स पहुंचाने का। मिलते हैं अगले एपिसोड में स्पिन टायर्स के, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।